Hello dear friends, welcome to my channel Cooking and Smart Tips. दोस्तों गर्मी का सीजन आ गया है, दिन प्रतिदिन बाहर टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन हम 24 आवर घर में बैठ के तो नहीं रह सकते। हमें कुछ न कुछ काम से बाहर जाना ही पड़ता है, जैसे ऑफिस के लिए, बच्चों को स्कूल से पिकअप करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तमाम काम है। इस तपती धूप में बाहर जाने से हमारी स्किन में सनटैन हो जाता है, जिससे हमारी स्किन का ग्लो चला जाता है और स्किन डार्क हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आसानी से घर में उपलब्ध चीज़ों से ही सनटैन को दूर करें। इसके साथ ही मैं बताऊंगी सनटैन से बचने के कुछ टिप्स, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले तरीके में मैं बनाने वाली हूँ बेसन का उपटन। इससे आप सिर से पैर तक के सारे टैन हटा सकते हैं, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1 चम्मच बेसन। इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कच्चा दूध, 1/2 चम्मच नींबू का रस, 1/4 चम्मच हनी, 2 चुटकी कस्तूरी हल्दी। आप इसमें कुकिंग हल्दी मत यूज करिएगा, कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल करिएगा। यह स्किन के लिए आती है, यह आपके चेहरे का दाग धब्बा हटाएगा, साथ में चेहरे को ग्लो भी करेगा। अब फ्रेंड्स इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही इफेक्टिव उपटन है, ये आपको पक्का फायदा करने वाला है, आप इसे जरूर ट्राई करना। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिला लिया। ये देखिए मेरा उपटन तैयार हो गया है। आपको शरीर के जिस भी हिस्से में सनटैन हुआ है उस हिस्से में इसको फिंगर में ऐसे देख करके ऐसे रब करना है। लगभग 2-3 मिनट तक ऐसे धीरे धीरे मसाज करिए, धीरे धीरे मसाज करना है और लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लीजिए। फ्रेंड्स सनटैन दूर करने के लिए अब मैं बताने वाली हूँ दूसरा तरीका। इसमें मैंने सनटैन को दूर करने के लिए लिया है टमाटर की स्लाइस। अब एक टमाटर की स्लाइस ले लीजिए और चेहरे पर इसे गोल घुमाते हुए 2 मिनट तक मसाज करिए। ऐसे ऐसे मसाज करना है, फिर इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद अब लेंगे 1 चम्मच कच्चा दूध और इसमें मिलाएंगे कस्तूरी हल्दी, 1 चुटकी कस्तूरी हल्दी डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। हल्दी दूध को अच्छे से मिला लीजिए। इसमें आप बॉयल दूध का इस्तेमाल नहीं करिएगा, कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करना है, ये दाग धब्बों को बहुत अच्छे से हटा देता है। अब इसको टमाटर जहाँ पे लगाए थे आप उसी हिस्से पे इस तरीके से करते हुए मसाज करिए और लगभग 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद आप इसे नॉर्मल वाटर से धो लीजिए, आपका सनटैन हट जाएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स तीसरा तरीका मैं बताने वाली हूँ जो एलोवेरा जेल से बनने वाला है। इसमें आप फ्रेश एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं या मार्केट से लाया हुआ। तो इसमें लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए और इसमें डालिए पीसी हुई चीनी, चीनी को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। अब इसमें डालेंगे दरदरी पीसी हुई चीनी और इसको अच्छे से मिला देना है। फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा एलोवेरा में विटामिन ई सी एंटीऑक्सीडेंट होता है जो चेहरों के दाग धब्बे को दूर करता है और चीनी जो है डेड सेल्स को हटाती है। तो इसे लगभग 5 मिनट तक रब करना है जिस हिस्से में आपको सनटैन हुआ है। इस तरीके से आप मसाज करिए, ये डेड सेल्स को बहुत अच्छे से हटाता है चीनी और एलोवेरा जेल जो है वो दाग धब्बों को हटाएगा, सनटैन को हटाएगा। एलोवेरा जेल को 5 मिनट तक रब करने के बाद धुल लेना है। इसके बाद हम बनाएंगे एलोवेरा जेल का सिरप। एलोवेरा सिरप बनाने के लिए 1/2 चम्मच लेंगे एलोवेरा जेल, 1 चम्मच डालेंगे गुलाब जल, इसमें डालेंगे 1 विटामिन की गोली जो बहुत ही आसानी से मेडिकल शॉप पे मिल जाता है।
तो इसमें आप किसी भी पिन से एक छोटा सा छेद कर लीजिए और इसको इसमें निकाल दीजिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है सनटैन को हटाने में। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये पतला सा घोल तैयार हो जाएगा। अब इसे चेहरे पे धीरे धीरे से मसाज करना है और इसे लगभग 10 मिनट तक रखना है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप इसको यूज करें। फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगी सनटैन को कैसे अवॉइड किया जाए। तो इसके लिए फर्स्ट टिप्स है, जब भी बाहर धूप में जाएं, खूब पानी पीकर जाएं और हो सके तो वाटर बॉटल साथ में लिए रहें जिससे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स ना हो। सेकेंड टिप्स है, बाहर निकलते समय जितना हो सके अपने बॉडी को कवर करके निकलें। इसके लिए फुल स्लीव के कपड़े, मास्क, ग्लव्स, स्टॉल एक्सेट्रा का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड टिप्स है, बॉडी का जो पार्ट एक्सपोज हो उस पर बाहर निकलने से 30 मिनट्स पहले एक अच्छा वाला सनस्क्रीन जरूर लगा लें। सनस्क्रीन 30 SPF या इससे ऊपर वाला ही यूज करें जो कि लगभग 57 से 58% यूवी रेज को ब्लॉक करता है। बाहर डायरेक्ट सनलाइट से बचें, धूप में एक ही जगह ना खड़े रहें, इधर उधर बॉडी मूवमेंट करते रहें ताकि बॉडी का कोई भी एक पार्ट काफ़ी देर तक तेज धूप में ना रहे। फ्रेंड्स, इसी तरीके की अच्छी अच्छी स्मार्ट टिप्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।